नमस्कार, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज हम जिद की बात करेंगे। कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा जिद करने वाले होते हैं और जिद हमें बहुत परेशान करती है, तो आज हम बात करेंगे बच्चों की जिद को दूर करने के लिए खास उपायों की। तो राशि अनुसार आज हम बताएंगे आपको कि किन खास उपायों को आप करें जिससे आप अपने बच्चों की जिद को दूर कर पाएं। तो शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। एमेथिस्ट स्टोन को आप जल में भिगो दें और इस जल को सुबह शाम जो बच्चा जिद करता है उसे जरूर पिलाएं। इससे आपकी बच्चों की जिद दूर होगी और कार्य बनने लगेंगे। और बात करते हैं वृष राशि की। जिद्दी बच्चों के हाथ से आप सूर्य देवता को अर्घ दिलवाएं। यह अर्घ तांबे के लोटे में जल भरकर चंदन का तिलक जल में लगा के सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते समय मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र के जाप करने से, इस मंत्र के उच्चारण करने से विशेष लाभ होगा और जिद दूर होगी। बात करेंगे मिथुन राशि की। बच्चों को शुक्रवार के दिन क्रिस्टल की माला आप धारण करवाएं। बच्चों को कहें माता पिता के चरणों को हर रोज आप हाथ लगाएं, इससे उनको आशीर्वाद मिलेगा और इससे उनकी जिद भी दूर होगी। बात करेंगे कर्क राशि की। चंदन का तिलक नाभि पर जरूर लगाया करें। चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर अर्पित जरूर करवाएं, इससे बच्चे की जिद दूर होगी। बात करेंगे सिंह राशि की। जिद्दी बच्चों को आप मंत्र जाप करवा सकते हैं। ओम हरांग हरिंग हरोंग सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप आप बच्चों से कराएं, इससे जिद दूर होगी। और बात करेंगे कन्या राशि की। गणेश जी को दुर्वा अर्पित जरूर करवाएं। बच्चों के बैग में सरस्वती यंत्र जरूर रखें, इससे बच्चों की जिद दूर होगी। यदि बच्चा जिद्दी है और उसकी तुला राशि है तो पंच अमृत आप बच्चों को जरूर पिलाएं। क्रिस्टल की माला जरूर उन्हें धारण करवाएं, इससे बच्चों की जिद दूर होगी। और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। चंदन का तिलक आप जिद करने वाले बच्चों के माथे पर लगा सकते हैं। बच्चे से शिवलिंग पर आप दूध भी अर्पित करवाएं, इससे जिद दूर होगी। बात करेंगे धनु राशि की। बच्चे की लंबाई के बराबर आप पीला धागा पीपल के पेड़ पर बांध सकते हैं और बच्चे को कहें माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, इससे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा और उनकी जिद दूर होगी। बात करेंगे मकर राशि की। सीधे पैर में काला धागा आप जिद्दी बच्चे को जरूर बांधें, इससे उसकी जिद दूर होगी और साथ ही साथ में उस बच्चे से काली दाल का दान भी आप अवश्य कराएं। बात करेंगे कुंभ राशि की। शनि मंदिर में आप दीपक जिद्दी बच्चे से प्रज्वलित करवाएं, इससे जिद दूर होगी और कार्य जरूर बनेंगे। बच्चे से छाया पात्र भी आप करवा सकते हैं। बात करेंगे मीन राशि की। जिद करने वाले बच्चे की जेब में आप पीला धागा जरूर रखें। गुरु के मंत्र का जाप करवाएं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप बच्चे से कराएं, बच्चे की जिद जरूर दूर होगी। इसी तरह से हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे हमेशा नए विषय के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।